सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा जो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा जो ज्ञान दिए और ब्रह्मावा जब अव्यक्त हुए तो बाप दादा दोनों अव्यक्त पालना देने के लिए हमें साकार वतन में जो ज्ञान दिए सर्वश्रेष्ठ है हम बच्चों को। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह राज। कहते हैं आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख रहे थे। स्नेह का रिटर्न विशेष है जो वरदान दे रहे हैं, सदा समीप भव समान समर्थ भव, वो भी सदा सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। मन जो हम संकल्प करते हैं तुरंत बाबा के पास पहुंच जाते हैं। भागते हैं विशेष ब्रह्मा मां बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अभी भी है। पालना करने वाली मां का स्वतो ही विशेष स्नेह रहता ही है। ब्रह्मा मां एक एक बच्चों को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में बुद्धि में दिल में नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई है ही नहीं। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहां रुकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देती है। आज मात पिता बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। मतलब जैसे आसमान में तारे इसे धरती के सितारों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा आए हैं और कहते हैं आज का दिन खास है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों को आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, मतलब बिल के, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सर्वशक्ति की विल की अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सोनसोज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करण करावन हार बाप के साथी बने। करण हार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के विशेष दिवस ब्रह्मा बाप है देह से संपूर्ण फरिश्ता, मैंने इस देह से संपूर्ण अलग सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन में सूक्ष्म वतन निवासी बने। क्योंकि पुराना देह था तो नया फरिश्ता स्वरूप बना के बाबा सूक्ष्म वतन में चले गए। बाकी किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का आज दिवस है। कौन सा? 18 जनवरी, क्योंकि रिवाइज मुरली है 27/2/2022 आज का दिन है और रिवाइज है 18/1/90 का। भागते बच्चों को तीव्र गति पुरुषार्थ करने के लिए बच्चों को फरिश्ता बनाने के लिए बाबा अव्यक्त हुए। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है ये, लेकिन विश्व की आत्माओं का ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन करने का ड्रामा में नोंद हुआ था।
जो बच्चे भी देख रहे हैं विश्व की आत्माओं के प्रति, बुद्धिमानों की बुद्धिवान, बुद्धि को परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने, ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से बुद्धि हुई। बाबा जब फरिश्ता बने तो ये सब सेवा हुई। भगत है सन सज फादर, मतलब कि गिफ्ट भी मिली, व्यंग मार्ग की सेवा करने की प्रारंभ हुआ। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई, भगत ने परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। भगत अभी तक बाप जो सेवाएं वतन में रह के की है उसका जो रिजल्ट अब देख रहे हो, आगे चल के और भी बहुत जबरदस्त देखने वाले हैं। इसलिए अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी निमित्त आगे क्या होगा बाबा बता रहे हैं। रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे और वो लोग बुलाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। भगते मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे पास आओ, तभी प्रतिष्ठा की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन बाप और आप बच्चों की तरफ जाएगा। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, भगते सबकी नजर प्रत्यक्षता की तरफ होगा, जय जयकार की तरफ होगा और चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। भगत हैं कोई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते बाबा? अगर छुट्टी लेते नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पद्मा गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा का तो कर्मातीत होना था, स्नेह के बंधन में जाना था। भगत ने ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। तो भगत ने ये सब खेल है, जो खेल 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 में हो गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह, यह तो है, कोई संकल्प उठ नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे, इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, पीछे भले क्वेश्चन कितने भी उठे लेकिन उस घड़ी नहीं, तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना, बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले भी नहीं। ये ड्रामा की विचित्र नोंद होनी थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को परिवर्तन कर देता है। भगते ऐसी सेवा करनी है जैसे बाबा ने की है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं, प्रश्न नहीं उठाना है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, ये सब ड्रामा में नोंद है। भगते वरदान है आज तुम बच्चों के लिए दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन कर शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। आज बाबा कह रहे कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वो राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय क्या करना चाहिए, स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। तो मन में कितना शुभ चिंतन भरना चाहिए,
तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। बहुत सुंदर बात है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, इस स्लोगन ही हमारे जीवन को बदल देगा कि सदा हर्षित रहना है, फरिश्ता बनना है तो क्या करना है, हर दृश्य को जो भी हमारे सामने दृश्य आता है साक्षी होकर देखो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा ने जो कहा हमें वो करना है, अनुभव करना है, सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति।